नमस्कार दोस्तों, जीके अर्जुन सर यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर स्वागत है। पर्यावरण अध्ययन परिस्थितिकी में, जिसका एक पार्ट पहले अपलोड कर चुका हूँ, ये दूसरा और अंतिम पार्ट है परिस्थितिकी से संबंधित, और भाग चार है पर्यावरण अध्ययन से संबंधित। यह पर्यावरण अध्ययन जो है सीटेट, ईपीटेट, यूपीपीसीएस, ईपीपी, एसएससी, यानी कि आल एग्जाम में पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं, या खासकर वीडियो सीटेट के लिए जो एग्जाम होने जा रहे हैं उसके लाभदायक सिद्ध हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को क्लिक करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। देखिए क्वेश्चन नंबर वन है, इसमें जैव वानिकी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं। तो देखिए ऑप्शन दिया, इसमें पहला दिया है इसका शाब्दिक अर्थ जीवन का प्रबंधन, दूसरा दिया इसमें पारिस्थितिकी का पर्याय है, और तीसरा दिया है इसमें यह प्राकृतिक तंत्रों के मूल्य पर बल देता है जो मानव तंत्रों का प्रभावित करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर देखिए दो और तीन सही है इसमें, तो यानी सी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दो, पारिस्थितिकी तंत्र में DDT का समावेश होने के बाद निम्नलिखित में से किस एक जीव में उसका संभवतः अधिकतम सांद्रण प्रदर्शित होगा। तो ऑप्शन दिया इसमें टिड्डा, भेक, सांप, मवेशी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी, यानी सांप। क्वेश्चन नंबर तीन, पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं। तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी जैव भू रासायनिक चक्र। क्वेश्चन नंबर चार, घास स्थलों में वृक्ष पारिस्थितिकी अनुक्रमण के अंश के रूप में किस कारण घासों को प्रतिस्थापित नहीं करते। किस कारण से घासों को प्रतिस्थापित नहीं करते, इससे करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी जल की सीमाओं एवं आग के कारण। क्वेश्चन नंबर पांच, निम्नलिखित में से कौन एक जैविक अनुक्रमण की प्रस्थाओं का सही क्रम है। इसमें सही क्रम पूछा है, इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी पहले जो है नगरीकरण, उसके बाद प्रवास, फिर अस्थापन, फिर प्रतिक्रिया, फिर स्थिरीकरण, यानी ए सही होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर छः, पारिस्थितिकी अस्थाई मित व्यतता है यह किस आंदोलन का नारा है। तो यह आंदोलन है चिपको आंदोलन का। क्वेश्चन नंबर सात, चिपको आंदोलन संबंधित है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। ऑप्शन दिया है पादप संरक्षण से, बाघ परियोजना से, घड़ियाल परियोजना से, पादप प्रजनन से। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी पादप संरक्षण से। क्वेश्चन नंबर आठ, पारिस्थितिकीय पद छाप की माप की इकाई है, इसकी माप की इकाई है। ऑप्शन दिया है भूमंडलीय हेक्टर, नैनोमीटर, हापस क्यूबिक फुट और क्यूबिक टन। किससे पारिस्थितिकीय पद छाप की इकाई, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भूमंडलीय हेक्टेयर, भूमंडलीय हेक्टेयर। क्वेश्चन नंबर नौ, एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं। आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं, देखिए जीवजात या पारिस्थितिकीय पदछाप या जीवोम या निकेत। वही क्वेश्चन ऊपर वाला आठ नंबर वाला क्वेश्चन, थोड़ा सा इसको चेंज करके दे दिया है घुमाकर, तो इसका आंसर हो जाएगा पारिस्थितिकीय पदछाप। क्वेश्चन नंबर दस, इसमें देखिए वृक्षों में कौन पारिस्थितिकीय तंत्र पारिस्थितिकीय मित्र नहीं है। वृक्षों में ये पूछा है,
निम्नलिखित वृक्षों में कौन पारिस्थितिकीय मित्र नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी यूकेलिप्टिस। पर्यावरण के लिए खतरनाक होता है यूकेलिप्टिस। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट माना जाता है, पर्यावरण के लिए संकट माना जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, नहीं सॉरी, इसका करेक्ट आंसर देखिए डी हो जाएगा, यूकेलिप्टिस। यूकेलिप्टिस जो है पर्यावरण संरक्षण के लिए संकट माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, स्वच्छ जल समुदाय में लैट्रिन आवास का उदाहरण है, स्वच्छ जल में ऑप्शन दिया है तालाब एवं दलदल, झरना एवं नदी, तालाब एवं नदी या उपयुक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये तालाब एवं दलदल। क्वेश्चन नंबर 13, दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र कहलाता है, दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र कहलाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इकोटोन, इकोटोन होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, सर्वाधिक अस्थाई पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से कौन है, सर्वाधिक अस्थाई? ऑप्शन दिया है इसमें मरुस्थल, पर्वत, महासागर, वन। सर्वाधिक अस्थाई पारिस्थितिकी तंत्र इनमें से कौन है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी महासागर। क्वेश्चन नंबर 15, सबसे अस्थाई पारिस्थितिकी तंत्र है, सबसे अस्थाई, इसमें दिया है वन, घास के मैदान, रेगिस्तान, समुद्री। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी समुद्री। क्वेश्चन नंबर 16, परितंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में उनका निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है, यहां पर सही पूछा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी मैग्रोव, घास स्थल, झील, महासागर, ये सब जो है घटते क्रम में है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से किसने सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी यानी डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था? ऑप्शन दिया है इपियोडम, सी रॉनकियर, एफ ई क्लीमेंट्स और अर्निज नेस ने। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा आपका डी अर्निज नेस ने। क्वेश्चन नंबर 18, परिस्थितिकी नीचे यानी आला की संकल्पना को प्रतिपादित किया था, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, ये परिस्थितिकी नीचे या आला की संकल्पना को प्रतिपादित किया था? ऑप्शन देखे दिया है ग्रीनेल, डार्विन, इपियोडम और सीसी पार्क ने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रीनेल ने, ग्रीनेल ने, यानी परिस्थितिकी नीचे या आला शब्द का सबसे पहले जोसेफ ग्रीनेल ने किया था 1917 में, सूक्ष्म आवास कहा था इसको। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, निम्नलिखित में से कौन किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाती है, निम्नलिखित में से कौन किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी पिक्नोक्लाइन, पिक्नोक्लाइन। क्वेश्चन नंबर 20 और अंतिम क्वेश्चन है, पारितंत्र उत्पादकता के संदर्भ में समुद्री उत्प्रवाह यानी अपवेलिंग क्षेत्र इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये निम्नलिखित माध्यम या माध्यमों से समुद्री उत्पादकता बढ़ाते हैं? ऑप्शन इसमें दिया है देखिए कथन, अब घटक सूक्ष्म जीवों की सतह पर लाकर, पोषकों को सतह पर लाकर, तीसरा दे अध स्थली जीवों की सतह पर लाकर,
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी केवल दो सही है इसमें, दो नंबर, यानी बी इसका आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया, अगर पसंद आए तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के अधिक से अधिक शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।